few quick responses to all the interventions. One is ki I think अलग अलग स्तर पे हमको सोचना पड़ेगा, कैंपेन हो या एक्शन हो. सम थिंग्स आर वेरी लॉन्ग टर्म, समथिंग्स आर विच ऑल्सो रिक्वायर मोर थियोरेटिक फॉर्मुलेशन देन जस्ट सेइंग वी हैव टू डू इट. इट्स ईजियर सेट देन डन. एंड समथिंग विच आई थिंक कैन बी मोर इमीडिएटली डन. एक तो मैं कहना चाहूँगी कि जिससे पहला या दूसरा सवाल था, और ये बहुत ही एक इट्स एन ऑफुल थिंग. अक्षरधाम में 16 साल के बाद जिस दिन मोदी का इलेक्शन रिजल्ट निकला 16 मई 2014 को, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती अयूब अब्दुल कयूम वगैरह को मतलब कम्प्लीटली देवर एग्जॉनरेटेड एंड देवर स्ट्रिक्चर्स पास अगेंस्ट गुजरात होम मिनिस्टर हु इज नाउ नन लेस देन टुडेज प्राइम मिनिस्टर. अरे जब वही अब्दुल कयूम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कॉम्पनसेशन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉम्पनसेशन आपका हक नहीं है. तो आई थिंक समवेयर वी नीड टू बी थिंकिंग अबाउट अ कॉन्शनटाइजेशन कैंपेन, कि अगर आपकी ज़िंदगी इस तरह 8 साल 6 साल 12 साल 14 साल पूरी बर्बाद हो जाती है, उसमें मीडिया का भी हाथ है, जुडिशरी के डिलेज का भी हाथ है वगैरह. तो दो चीज़ें, एक तो एक वेरी वेरी सेंसिटिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, एंड सेकेंडली वर्किंग टूवर्ड्स री अप्रोचिंग द कॉर्ट्स ऑन कॉम्पनसेशन. आई थिंक वी कैन नॉट लेट दिस गो. दूसरी बात, न्यूलिबरलाइजिंग और मजॉरिटेरियनिज्म कम्युनलिज्म का लिंकेज, बहुत दिन से ये बात हो रही है, 10-12-15 साल से. थ्योरेटिकल जितना फॉर्मुलेशन हमारे बीच में होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, फिर भी इंक्रीसिंगली ऑल ऑफ अस आर्टिकुलेटिंग दिस के मार्केट ड्रिवन इकॉनमी नीड्स टू हैव ए मोनोलिथिक आइडेंटिटी, डजंट वॉन्ट टू मेस अराउंड विद द वेगरीज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड द वेरियस पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ दैट डेमोक्रेसी. मगर उसके लिए हमें थोड़ा सा बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग मी. आई एडिटेड दिस बुक कॉल गुजरात अ मिराज ऑफ डिवेलपमेंट. प्रोफेसर प्रभात पटनायक, अर्चना प्रसाद, राहुल रोहित प्रजापति हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सलेंट पेपर्स. एंड वन ऑफ द एनालिसिस दैट कीप्स कमिंग आउट ऑफ गुजरात, द मॉडल दैट वी आर सीइंग इज जॉबलेस ग्रोथ, विच इज नाउ मोर एंड मोर गेटिंग एक्सेप्टेड एज एन आर्टिक्यूलेशन. बट हमें वी आर नॉट एंगेजिंग इन द फैक्ट दैट द ट्रेडिशनल बेस ऑफ द आरएसएस is the small business. You had a 9-month long jewelry strike and the government was not interested even talking to those jewelers. So ye contradiction ko lekar kya hona, and there are several issues to do with this paradigm that need to be explored by experts. I certainly am not an expert in that field, but it needs to be taken forward. Social platform kis tarah banega, I mean always there's this feeling. Main manti hu ki agar 5-6 campaign point ko lekar bhi alag alag groups agar sadak pe utarte hain, एंड आई थिंक वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि ऑल ये जो टेरर की बात होती है, आतंकवाद की जब बात होती है, तो बॉम्ब टेरर आपका मतलब है बांग्लादेश, बॉम्ब टेरर का मतलब है आईसिस, बॉम्ब टेरर का मतलब है, बट मॉब टेरर एंड बजरंगी टेरर एंड संघ टेरर को आतंकवाद समझा ही नहीं जाता मानसिक तौर पर. तो ये एक बहुत बड़ा एक मेंटल ब्लॉक है. एंड द फेसिस ऑफ पोलिटिकल इस्लाम वी आर सीइंग ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट. यू हैव वन बांग्लादेश, यू हैव वन म्यूनिक, यू हैव वन समथिंग, और पूरा वो गेंस जो हमें लगते हैं कि थोड़े थोड़े बने थे परसेप्शन में, वो चले जाते हैं. तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि कहीं ना कहीं इन दिस ओवरऑल काइंड ऑफ पैरानोया इस्लामोफोबिक काइंड ऑफ सिचुएशन, वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी क्लियर इन आर्टिकुलेटिंग आवरसेल्व्स अगेंस्ट इस्लामिस्ट टेरर वेन वी सी इट एज सच, विदाउट बींग सीन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर प्रिंसिपल्स. मीडिया की बार बार बात आती है, हरतोष ने तो कह दिया, मैं तो कहती हूँ कि बीट जर्नलिज्म का ख़त्म होना है, इसीलिए इस तरह का जर्नलिज्म पैदा हुआ है. आज बीट जर्नलिज्म जैसी चीज़ नहीं है. यू डोंट हैव द क्राइम बीट, यू डोंट हैव द एजुकेशन बीट, यू डोंट हैव द विधानसभा बीट, यू डोंट हैव द पार्लियामेंट्री बीट. यू हैव एवरीबडी डूइंग एवरीथिंग विथ वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ हाउ दीज स्ट्रक्चर्स फंक्शन. और 1983 में मैंने मेरा पहला दंगा कवर किया एज ए जर्नलिस्ट. And I have seen one thing, whether it is mob terror, which is communalism, or bomb terror. You cannot cover conflict without physically being present at the site. आप फोन पे इंफॉर्मेशन जिस दिन लेना शुरू करोगे वहाँ पे गलतियाँ होगी होगी, क्योंकि फिर आप देखी हुई चीज़ आप नहीं डाल रहे हो, सब्सटैंशिएट चीज़ पर नहीं डाल रहे हो, मगर कही हुई चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो. और छत्तीसगढ़ में मैं आपको IG कलूरी का टेक्निक आपको बता रही हूँ. छत्तीसगढ़ तो आज का सब्जेक्ट नहीं है, मगर वहाँ पे जिस तरह आतंकवाद चल रहा है आम आदिवासियों के खिलाफ, कि आज जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप पे
सबसे पहले सिक्योरिटी एजेंसी आईजी कलूरी का मैसेज आता है वो बम फूटने से पहले 5 मिनट पहले कि ऐसे ऐसे हो गया, सो एंड सो इज रिस्पॉन्सिबल. तो इन द डिजायर टू मेक योर फर्स्ट बाइट एंड द फर्स्ट न्यूज, वो खबर चल जाती है, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है. तो योर सोल सोर्स इज नाउ द स्टेट, योर सोल सोर्स इज द पैरामिलिट्री, एंड विच इज वाई दिस इनएक्यूरेट इररिस्पॉन्सिबल एंड लेजी रिपोर्टिंग, एंड दिस इज वेरी डेंजरस. हमारा पहला लेसन था एज अ रिपोर्टर दैट यू डू नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द स्टेट टेल्स यू और एनीबडी एल्स टेल्स यू विदाउट सम वेरिफिकेशन. ये तो हमारी पहली ट्रेनिंग एज अ रिपोर्टर. अभी कोई ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि टीवी पे आपको फीड करना है. आप एसएमएस कर देंगे और आपकी फीड चल जाएगी. आपकी फीड अगर पहली चलेगी तो यू आर अप, योर चैनल इज अप. दिस इज अ रियलिटी विच इज वेरी डेंजरस. बट प्रोफेशनली एज जर्नलिस्ट हाउ आर वी गोइंग टू टेक दिस अप? It needs to be taken up. You should not be reporting a word till you are actually got some degree of objective verification. And it's, you cannot be on the basis of IG Kaluri's WhatsApp message, cannot be the source of your news feed. And then if you go to Kashmir, it gets even worse. If you go to Assam, it gets even. Look at how the Kokrajhar thing was reported in the first 2 hours. Phir kaise badal gaya? Kokrajhar ke baare mein ISIS wagera chal gaya tha, uske baad NDDP aaya hai. ये इस पर इंट्रोस्पेक्शन कोई मीडिया चैनल ने करा किया? आई मीन इट्स सो डेंजरस एंड दिस इज आई मीन द मोर वी एनालाइज दिस वी सी दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन. आई जस्ट वांट टू इंटरजेक्ट वन थिंग. 84 के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है. वन होल्ड्स द कांग्रेस गिल्टी, वन इज ऑलवेज हेल्ड द कांग्रेस गिल्टी. बट वॉट आई हैव अ प्रॉब्लम इज कि जब ये इक्विवेलेंस की बात आती है कि गुजरात के बारे में आप बात करते हैं तो 84 के बारे में, तो एक अगर जर्नलिस्ट जिंदा होता जो सिर्फ इतना कह देता कि फरवरी 1983 की भी बात कीजिए, नेली, मगर उसमें बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं क्योंकि वहाँ मुसलमान मरे थे. इमीडिएटली द बाइनरी वुड चेंज एंड द पैराडाइम वुड चेंज. बट अनफॉर्चुनेटली द जर्नलिस्ट आर नॉट इवन आस्किंग दैट क्वेश्चन दैट द वर्स्ट मैसेकर ऑलमोस्ट एज बैड एज 84 वॉज अ नेली मैसेकर एंड सर्टनली मोर देन गुजरात अंडर कांग्रेस रूल्ड आसाम एंड दैट that there was no justice in that case. But Nelly does not fit in again to the narrative, the mainstream narrative. Ambedkar resigned, by the way, from the Nehru cabinet because the right wing attacked him on the issue of gender justice. ये इतिहास भी हमें कभी जर्नलिस्ट पत्रकार को भी पता नहीं होता. जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती है, कॉमन सिविल कोड के बात चलती है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को क्यों राजीनामा देना पड़ा. इसलिए देना पड़ा बिकॉज एंटायर एक्सट्रीम राइट विंग वॉज टारगेटिंग हिम टू गेट बिकॉज ही वॉन्टेड द हिंदू कोड हिंदू पर्सन लॉ कोडिफाइड. तो देर आर सो मेनी इश्यूज विच आर इंटरकनेक्टेड एंड विच आर गॉट कम्प्लीटली ब्लर्ड इन दिस कम्प्लीटली तूतू मैं डिडे. किसी ने 5 महीने पहले टीवी पे जाना छोड़ दिया, मैंने 2012 से छोड़ दिया. और मैं ये कह दूंगी आपको, मैंने उस दिन नहीं छोड़ा जब मैं तो नाम लूंगी जब अर्णब गोस्वामी ने मुझे परजरा कहा, मगर जिस दिन उन्होंने ज़किया जाफरी को झूठी औरत कहा मैंने माइक फेंक के मैं निकल गई. और उसके बाद उन्हें प्रोपेगेंडा मशीन उन्होंने चला कि तीस्ता गॉट स्केयर्ड एंड रैन अवे. तब किसी ने उसको डीकंस्ट्रक्ट किया कि उसको गाली पड़ रही थी तब वो भागी नहीं थी, जब ज़किया जाफरी को झूठी औरत कहा तब मैंने माइक फेंका और मैं वहाँ से निकल गई. तो आई थिंक वी हैव टू रियलाइज व्हाट दिस मीडिया हैज बिकम. इट इज़ वर्स देन अ खप पंचायत. इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग एन इश्यू. And at that stage, I kept on saying, and that was the eve of the SIT report on Gujarat, it was 8th February 2012, I said that, you know, somehow we have to take a decision where this media has to be collectively boycotting. A message has to be sent, ki this is not the kind of questioning you do. Because you're not interested in exploring the issue, you're trying to demonize either X, Y or Z. Aaj isko mila, to aaj aapko Kashmiri mil gaye, kal Kashmiri nahi mile, to aapko koi aur mil jayega. The entire paradigm is so unprofessional that it is not journalism. It is not journalism. And finally, I just want to make a statement on the minority issue. It was not my desire to exclude the Sikh minority. The Sikh minority has shown many, many gestures towards the Muslims when there have been efforts to divide them. So that has certainly not been the issue. But the reason I mention Muslims in that and Dalits in that context is because the RSS agenda has been to use the Dalit community against the Muslim community, and there is a lot of caste bias within the Muslim community which prevents it from empathizing as much as it should at a social level among with Dalits. So that is the reason I mentioned that.
to end by saying that just like there's a desire to co-opt the Sikhs, there'll never be a desire to co-opt the Christians. Because the Christians are already seen as outsiders in Golwalkar's book. But the Jains, who till 10 years back had a very progressive movement calling themselves a minority, today you have an Amit Shah who's a Jain and a Vijay Rupani who's a Jain. I don't have to say anything more beyond that. Just a few quick responses to all the interventions. One is ki I think alag alag star pe humko sochna padega, campaign ho ya action ho. Some things are very long term, some things are which also require more theoretic formulation than just saying we have to do it. It's easier said than done. And something which I think can be more immediately done. Ek to main kehna chahungi ki jisse pehla ya dusra sawal tha, aur ye bahut hi ek it's an awful thing. Akshardham mein 16 saal ke baad jis din Modi ka election result nikla 16 May 2014 ko, usi din Supreme Court ne Mufti Ayub Abdul Qayyum wagaira ko matlab completely they were exonerated and there were strictures passed against the Gujarat Home Minister who is now none less than today's Prime Minister. And jab wahi Abdul Qayyum jaate hai Supreme Court mein compensation ke liye, to Supreme Court kehta hai ki compensation aapka haq nahi hai. So I think somewhere we need to be thinking about a conscientization campaign. Ki agar aapki zindagi is tarah 8 saal, 6 saal, 12 saal, 14 saal puri barbaad ho jaati hai, usme media ka bhi haath hai, judiciary ke delays ka bhi haath hai wagaira. So two things, one is a very very sensitive rehabilitation program and secondly working towards reapproaching the courts on compensation. I think we cannot let this go. Dusri baat, neoliberalizing or majoritarianism, communalism ka linkage, bahut din se ye baat ho rahi, 10, 12, 15 saal se, theoretical jitna formulations humare beech mein hona chahiye utna hua nahi hai, phir bhi increasingly all of us are articulating this. Ke, market it. Your sole source is the paramilitary, and which is why there's inaccurate, irresponsible, and lazy reporting. And this is very dangerous. Our first lesson tha as a reporter that you do not report anything that the state tells you or anybody else tells you without some verification. This is our first training as a reporter. Abhi koi ye follow nahi kar raha hai. Kyunki TV pe aapko feed karna hai. Aap SMS kar denge aur aapki feed chal jayegi. आपकी फीड अगर पहली चलेगी तो यू आर अप, योर चैनल इज अप. दिस इज अ रियलिटी विच इज वेरी डेंजरस. बट प्रोफेशनली एज जर्नलिस्ट हाउ आर वी गोइंग टू टेक दिस अप? इट नीड्स टू बी टेकन अप. यू शुड नॉट बी रिपोर्टिंग अ वर्ड टिल यू आर एक्चुअली गॉट सम डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन. एंड इट्स यू कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ IG कलूरीज व्हाट्सएप मैसेज कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ योर न्यूज फीड. And then if you go to Kashmir, it gets even worse. If you go to Assam, it gets even... Look at how the Kokrajhar thing was reported in the first 2 hours. Phir kaise badal gaya? Kokrajhar ke baare mein ISIS wagaira chal gaya tha, uske baad NDDP aaya hai. Ye is pe introspection koi media channel ne kara, kiya? I mean, it's so dangerous. And this is happening. I mean, the more we analyze this, we see this happening again and again. I just want to interject one thing. 84 ke baare mein mujhe kuch kehna nahi hai. One holds the Congress guilty, one has always held the Congress guilty. But what I have a problem is, ki jab ye equivalence ki baat aati hai, ki Gujarat ke baare mein aap baat karte hai, to 84 ke baare mein, to ek agar journalist zinda hota, jo sirf itna keh deta, ki February 1983 ki bhi baat kijiye, Nelly. Magar usme BJP ka kuch lena dena nahi, kyunki wahan Musalman mare the. Immediately the binary would change and the paradigm would change. But unfortunately, the journalists are not even asking that question. But the worst massacre, almost as bad as 84, was the Nelly massacre, and certainly more than Gujarat, under Congress-ruled Assam. And that there was no justice in that case. But Nelly does not fit in, again, to the narrative, the mainstream narrative. Ambedkar resigned, by the way, from the Nehru cabinet, because the right-wing attacked him on the issue of gender justice. Ye itihas bhi hame कभी जर्नलिस्ट पत्रकार को भी पता नहीं होता. जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती है, कॉमन सिविल कोड की बात चलती है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को क्यों राजीनामा देना पड़ा. इसलिए देना पड़ा बिकॉज एंटायर एक्सट्रीम राइट विंग वॉज टारगेटिंग हिम टू गेट बिकॉज ही वॉन्टेड द हिंदू कोड, हिंदू पर्सनल लॉ कोडिफाइड. तो देर आर सो मेनी इश्यूज विच आर इंटरकनेक्टेड
and which have got completely blurred in this completely tutu meme day. किसी ने 5 महीने पहले टीवी पे जाना छोड़ दिया, मैंने 2012 से छोड़ दिया. और मैं ये कह दूंगी आपको, मैंने उस दिन नहीं छोड़ा जब, मैं तो नाम लूंगी, जब आर्णव गोस्वामी ने मुझे परजरा कहा, मगर जिस दिन उन्होंने ज़किया जाफ़ी को झूठी औरत कहा, मैंने माइक फेंक के मैं निकल गई. और उसके बाद उन्हें प्रोपेगेंडा मशीन उन्होंने चला कि तीस्ता गॉट स्केयर्ड एंड रैन अवे. तब किसी ने उसको डीकंस्ट्रक्ट किया कि उसको गाली पड़ रही थी तब वो भागी नहीं थी, जब ज़किया जाफ़ी को झूठी औरत कहा तब मैंने माइक फेंका और मैं वहाँ से निकल गई. तो आई थिंक वी हैव टू रियलाइज व्हाट दिस मीडिया हैज़ बिकम. इट इज़ वर्स देन अ खप पंचायत. इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग एन इश्यू. And at that stage, I kept on saying, and that was the eve of the SIT report on Gujarat perception. Mein wo chale jaate. So we have to keep in mind that kahin na kahin in this overall kind of paranoia, Islamophobic kind of situation, we also have to be very clear in articulating ourselves against Islamist terror when we see it as such, without being seen to compromise on other principles. मीडिया की बार बार बात आती है. हरतोष ने तो कह दिया, मैं तो कहती हूँ कि बीट जर्नलिज्म का ख़त्म होना है, इसीलिए इस तरह का जर्नलिज्म पैदा हुआ है. आज बीट जर्नलिज्म जैसी चीज़ नहीं है. यू डोंट हैव द क्राइम बीट, यू डोंट हैव द एजुकेशन बीट, यू डोंट हैव द विधानसभा बीट, यू डोंट हैव द पार्लियामेंट्री बीट. यू हैव एवरीबडी डूइंग एवरीथिंग विथ वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ हाउ दीज स्ट्रक्चर्स फंक्शन. और 1983 में मैंने मेरा पहला दंगा कवर किया एज ए जर्नलिस्ट. And I have seen one thing, whether it is mob terror, which is communalism, or bomb terror. You cannot cover conflict without physically being present at the site. आप फोन पे इंफॉर्मेशन जिस दिन लेना शुरू करोगे वहाँ पे गलतियाँ होगी होगी, क्योंकि फिर आप देखी हुई चीज़ आप नहीं डाल रहे हो, सब्सटैंशिएट चीज़ पर नहीं डाल रहे हो, मगर कही हुई चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो. और छत्तीसगढ़ में मैं आपको IG कलूरी का टेक्निक आपको बता रही हूँ. छत्तीसगढ़ तो आज का सब्जेक्ट नहीं है, मगर वहाँ पे जिस तरह आतंकवाद चल रहा है आम आदिवासियों के खिलाफ, कि आज जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप पे सबसे पहले सिक्योरिटी एजेंसी IG कलूरी का मैसेज आता है, वो बम फूटने से पहले 5 मिनट पहले, कि ऐसे ऐसे हो गया, सो एंड सो इज रिस्पॉन्सिबल. तो इन द डिज़ायर टू मेक योर फर्स्ट बाइट एंड द फर्स्ट न्यूज़, वो खबर चल जाती है, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है. So your sole source is now the state-driven economy needs to have a monolithic identity, doesn't want to mess around with the vagaries of Indian democracy and the various pulls and pressures of that democracy. मगर उसके लिए हमें थोड़ा सा बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग मी. आई एडिटेड दिस बुक कॉल गुजरात अ मिराज ऑफ डिवेलपमेंट. प्रोफेसर प्रभात पटनायक, अर्चना प्रसाद, Rahul Rohit Prajapati have contributed excellent papers. And one of the analyses that keeps coming out of Gujarat, the model that we are seeing, is jobless growth, which is now more and more getting accepted as an articulation. But we are not engaging in the fact that the traditional base of the RSS is the small business. You had a 9-month-long jewelry strike and the government was not interested even talking to those jewelers. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर क्या होना, देयर सेवरल इश्यूज टू डू विद दिस पैराडाइम दैट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड बाय एक्सपर्ट्स. आई सर्टेनली एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, बट इट नीड्स टू बी टेकन फॉरवर्ड. सोशल प्लेटफॉर्म किस तरह बनेगा, आई मीन ऑलवेज हैज दिस फीलिंग. मैं मानती हूँ कि अगर 5-6 कैंपेन पॉइंट को लेकर भी अलग अलग ग्रुप्स अगर सड़क पर उतरते हैं, एंड आई थिंक वी कैनॉट इग्नोर द फैक्ट कि ऑल ये जो टेरर की बात होती है, आतंकवाद की जब बात होती है, तो बॉम्ब टेरर आपका मतलब है बांग्लादेश, बॉम्ब टेरर का मतलब है आईसिस, बॉम्ब टेरर का मतलब है, बट मॉब टेरर एंड बजरंगी टेरर एंड संघ टेरर को आतंकवाद समझा ही नहीं जाता मानसिक तौर पे. तो ये एक बहुत बड़ा एक मेंटल ब्लॉक है. एंड द फेसेस ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम वी आर सीइंग आल्सो कंट्रीब्यूट टू दैट. यू हैव वन बांग्लादेश, यू हैव वन म्यूनिक, यू हैव वन समथिंग, और पूरा वो गेंस जो हमें लगते हैं कि थोड़े थोड़े बने थे.